दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे एक बार टारगेट विद पीएस परिहार वेबसाइट को जरूर विजिट करें। यहाँ पर आप लोगों को लगभग सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे खंड शिक्षा अधिकारी है, पीसीएस है, पुलिस कांस्टेबल है, रेलवे एनटीपीसी है, यूपीएसआई, ये जितनी भी भर्तियाँ भारत की हैं लगभग सारी जो भर्तियाँ वो कवर की गई हैं। नीचे से यहाँ से आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। लाखों लोग इस वेबसाइट से जुड़े हुए हैं और इस वेबसाइट में एक खास चीज़ और है कि इसमें आपको डेली न्यूज़ और करंट अफेयर्स वगैरह भी डेली का डेली मिलता रहता है। जैसे मैं करंट अफेयर को आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग डेली के जो करंट अफेयर है वो इसमें दिए हुए 11 तारीख का, ये देख सकते हैं नीचे ये पूरा करंट अफेयर दिया हुआ है। तो एक बार इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। देखिए पहली सूचना है डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन 18 तारीख से। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लिए डीएलएड की 233,350 सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 सितंबर से होंगे। एकेडमिक नंबर के आधार पर ही यानी कि मेरिट से ही इसमें एडमिशन होता है। अगली सूचना एडेड जूनियर भर्ती को लेकर के है। लिखा नियुक्ति के लिए अपर निदेशक से मिले सफल अभ्यर्थी, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 में सफल हुए अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली है, उनकी काउंसलिंग भी नहीं कराई जा रही है। मंगलवार को नियुक्ति की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने अपर शिक्षा निदेशक और उप शिक्षा निदेशक से मुलाकात की। अफसरों ने बताया कि इस मामले की फाइल कार्मिक विभाग में लंबित है। अभ्यर्थियों ने कहा कि उनको नियुक्ति न मिली तो वो कोर्ट जाएंगे। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। यूपीपीएससी ने जारी की 2 प्रारंभिक परीक्षाओं की उत्तर कुंजी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को स्टाफ नर्स आयुर्वेद 2023 और स्टाफ नर्स यूनानी 2023 प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है, जो आयोग की वेबसाइट पर 16 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी। उप सचिव धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी के अनुसार अभ्यर्थी वेबसाइट पर प्रश्न और उनके उत्तर देख लें, अगर कोई विसंगति प्रतीत होती है तो साक्ष्य के साथ आयोग में 17 सितंबर शाम 5 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर के या पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। बात उत्तर कुंजी की हो रही है तो यहाँ पर सिपाही भर्ती की उत्तर कुंजी को लेकर के भी जानकारी दी गई है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती की उत्तर कुंजी आज जारी हो जाएगी। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जो नए छात्रों को चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहेंगी। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए हुई लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी 11 सितंबर यानी आज सुबह जारी हो जाएगी। 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त की 10 पालियों के प्रश्न पत्र और उनकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर देखी जा सकेगी। ये जो जानकारियां हैं मैंने कल ही अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दी। डीएलएड में एडमिशन को लेकर के अन्य समाचार पत्र में भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। जैसे 18 सितंबर से आवेदन हो रहे हैं, मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है और इस बार अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को भी मौका दिया जाएगा अगर विद्यार्थी नहीं मिलते हैं तो। अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी को लेकर के, और ये भेजा गया प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से, प्रयागराज की तरफ से। कल विद्यार्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग में एकजुट होंगे और वहाँ पर ज्ञापन देंगे। लिखा टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 में सीट वृद्धि एवं पोर्टल खोले जाने एवं परीक्षा मंडल स्तर पर कराने को लेकर के दिनांक 12 सितंबर 2024 को महा आंदोलन की तैयारी में प्रदेश के 75 जिलों के भाइयों बहनों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के आंदोलन को मजबूत करें। हमारी आपकी लड़ाई अब सीधे प्रदेश सरकार से। शीतला प्रसाद ओझा, अमित पांडे, रितेश कुमार गुप्ता। अगली सूचना है उत्तर आरओ एआरओ 2021 कट ऑफ को लेकर के। एक आरटीआई के द्वारा ये जानकारी मिली है। हालांकि मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले ही बताया था कि आर ओ आर ओ की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। इसी तरीके की एक कट ऑफ वायरल हो रही थी अभी खंड शिक्षा अधिकारी की, जिसके बारे में मैंने विस्तृत वीडियो भी बनाया था पिछले हफ्ते। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जनरल की जो कट ऑफ है वो 102 गई है और ओबीसी की कट ऑफ 110 ज़्यादा चली गई है और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 106 गई है। ऐसा हुआ क्यों है यही मैंने आपको खंड शिक्षा अधिकारी में बताया था कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें ओवरलैपिंग नहीं करवाई जाती है, विद्यार्थी को अपनी ही कैटेगरी में रखा जाता है और उसके 15-13 गुना विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। और बाद में जब मुख्य परीक्षा हो जाती है तो मुख्य परीक्षा में ओवरलैपिंग होती है और उसके बाद में फिर विद्यार्थी ओबीसी के जनरल में आते हैं। अन्य पद जो रहते हैं जैसे सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, उसका भी यहाँ पर कट ऑफ दिया हुआ है और सचिवालय वाला उसका भी कट ऑफ दिया हुआ है। अगली सूचना है मुख्यमंत्री के बयान की। कल जो वायरल होता रहा भर्तियों को लेकर के बयान दिया है, मुख्यमंत्री बोले नई भर्तियां भी शीघ्र। सीएम योगी ने कहा कि अगले छह महीने में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 40,000 भर्तियों को नियुक्ति पत्र के माध्यम से जोड़ने जा रहे हैं। पुलिस में फिर से 40,000 नई भर्तियां करेंगे और बेसिक माध्यमिक उच्च व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा में हजारों पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। तो ये तीसरी बार उन्होंने बयान दिया है। एक बयान 4 सितंबर को दिया था, दूसरा बयान 8 सितंबर को दिया था और इसके बाद में जो अगला बयान है वो 10 सितंबर को जारी हुआ है। कल मुख्यमंत्री ने यूपी SSSC से चयनित 647 वन रक्षकों और वन्य जीव रक्षकों और 41 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अवर अभियंताओं को
नियुक्ति पत्र दिया था। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर की भी सूचना है, लेकिन अभ्यर्थियों ने फिर घेरा डिप्टी सीएम केशव का आवास, मुलाकात तो नहीं हो सकी। और अगली जो सूचना है वो भी 69,000 की ही है, लेकिन एक नंबर से चयन से वंचित अभ्यर्थियों को भी है अपनी नियुक्ति का इंतजार। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा है, इससे पहले एक नंबर से चयन से वंचित रहे अभ्यर्थियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षिक परिभाषा के एक सवाल पर एक अंक बढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन 2200 से ज्यादा अभ्यर्थी 2 साल से आदेश का पालन का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती की फाइनल आंसर की जारी होने के साथ ही मई 2020 में अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में शैक्षिक परिभाषा के सवाल को लेकर याचिका दायर की थी, और इसमें 25 अगस्त 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक नंबर बढ़ाते हुए कोर्ट में आई याचिकाओं को अंतिम कट ऑफ गुणांक मेरिट के अनुसार चयन करने का निर्देश दिया था। तो इसमें अभी इन विद्यार्थियों को भी नियुक्ति देनी है, लेकिन ये जो आरक्षण वाला मामला था, नई सूची चूंकि जारी होनी थी इसलिए इन विद्यार्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। आईटीआई चौथे चरण के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ने आईटीआई में नए सत्र के चौथे चरण के प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें पिछले 3 चरणों में चयनित व सीट न पाने वाले अभ्यर्थी नया विकल्प चुन सकेंगे, साथ ही नए अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं पर जो अगली सूचना है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में धरना प्रदर्शन छात्रों को जारी है। आज इन छात्रों का 7वां दिन है, चूंकि कल ये विद्यार्थी गए थे शिक्षा सेवा चयन आयोग भी, कल इन विद्यार्थियों को बुलाया भी गया था, लेकिन जानकारी ये मिली है कि अभी शिक्षा भर्ती का जो अधियाचन है वो आयोग में नहीं आया है, इसलिए वो कैलेंडर में नहीं रहेगा। कैलेंडर में एग्जाम कैलेंडर तो जल्द जारी होगा, जिसमें अन्य भर्तियों के बारे में जानकारी हो सकती है, उन्होंने ये बताया। और ये भी कहा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अभी हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है। और विद्यार्थियों का कहना कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी भर्ती की बात करते हैं, एक तरफ आयोग कुछ और कहता है, इसलिए ये जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। बिहार से नई भर्ती है, लिखा राज्य में 7,559 नए पदों पर बहाली होगी। और लिखा कि हम राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 7,559 नए पदों पर बहाली होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर सहमति दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य के नए स्थापित 6,421 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूलों में एक एक विद्यालय सहायक बहाल होंगे, नियत वेतन पर उनकी बहाली होगी। इन 6,421 स्कूल सहायकों के पद सृजन और उन पर सालाना खर्च होने वाले 1.27 अरब रुपए की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दे दी है। बिहार में भर्तियों को लेकर के जोर है, नए नए पद सृजित किए जा रहे हैं और जितने भी रिक्त पद हैं वहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। अक्सर मैं धरना प्रदर्शन में जब जाता हूँ तो विद्यार्थी यही कहते हैं कि एक राज्य बिहार जो उत्तर प्रदेश से आधे से भी कम है आबादी में, और वहाँ पर हजारों भर्तियाँ लगातार निकल रही हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। रेलवे से जो भर्ती आई है NTPC उसको लेकर के जानकारी दी गई है। लिखा है कि वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क आदि के पद खाली, यानी कि NTPC की जो भर्ती आती है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर 3445 पदों पर एक भर्ती है, और इसी तरीके से एक और भर्ती है लगभग 8,000 पदों पर स्टेशन मास्टर वगैरह की। अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल की 2 भर्तियाँ निकली हैं एक साथ, और आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो 20 अक्टूबर है। और ये वेबसाइट rrbapplied.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।